नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं आरके क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बताने वाले हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी यानी कि ग्रुप सी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हुआ था वो कैसा रहा और किस प्रकार हुआ, उसको हम लोग आज बताने वाले हैं, उसको हम आज बताएंगे। तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते। इससे पहले सर, अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो पब्लिश हो तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, हमको रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे दिया था तो मैंने वहाँ पे 9 बजे रिपोर्ट किया, ठीक है। 9 बजे में वहाँ पे पहुँच गया था। उसके बाद हम लोग को टाइम पूरा और बुलाया था 10 बजे। 10 बजे वो एंट्री ले रहा था, आधार कार्ड सिंपल ले रहा था और वो एंट्री ले रहा था। आधार कार्ड में वो मतलब वेरीफाई कर रहा था और नेम वगैरह को मिला रहा था और सीरियल नंबर बाहर में दे दिया था उसको। वो पूछ पूछ के अंदर बैठा रहा था, चेयर लगा हुआ था। तो वहाँ चेयर पे बैठाने के बाद हमको दिया एक फॉर्म। वो फॉर्म आपका, वो जो फॉर्म दिया था वो मेडिकल का था, ठीक है। मेडिकल होना था, वो टिकट जो 24 रुपये का कटाना था उसके लिए वो भरना था। उसमें कुछ नहीं, डेट ऑफ बर्थ भरना था, नेम भरना था, माता नाम, पिता नाम और मतलब डेट वगैरह सिग्नेचर करना था। और 24 रुपये का वो चालान कट रहा था, उसको सबसे पहले कराया गया। उसके बाद वो हो जाने के बाद वेरिफिकेशन हुआ, मतलब कि बायोमेट्रिक जिसको कहते हैं, वो हो जाने के बाद फ़ोटो एक लिया गया और थंब इम्प्रेशन वगैरह फ़ोटो चिपकाया गया। और ये सब हो जाने के बाद को फिर अंदर ले जाया गया और अंदर ले जाने के बाद चेयर लगे हुए थे, हम लोग को वहाँ पे बैठाया गया। बैठाने के बाद एक एक करके मतलब कि वो बुला रहे थे नंबर हिसाब से, मतलब कि जिसका हाईएस्ट ज़्यादा नंबर है तो उसको पहले नेम लेकर के बुला रहा था। सीरियल नंबर भी उसी हिसाब से सजाए हुए था। तो मेरा भी नंबर आया तो उन्होंने मांगा सारे कागज़ जितना कि मैंने मेंशन किया था फॉर्म भरते समय। आप जितने मेंशन करेंगे वो आपसे सारे मांगेंगे। तो मैं 10th तक उसमें मेंशन किए थे, हायर क्वालिफिकेशन उसमें नहीं डाले थे। तो 10th तक दिए थे, मार्कशीट हो गया, क्या बोलता है ये, सर्टिफिकेट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये सब मांग रहा था, आधार कार्ड और प्रत्येक का दो दो फोटोकॉपी। फिर आपका जो रिले फॉर्मेट में बनता है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट वो मांगा। फिर ब्लॉक में जो बनाए थे कास्ट सर्टिफिकेट उसको मांगा 2 कॉपी। उस पर सेल्फ अटेस्टेड सारे जो फोटो कॉपी हम दिए थे सारे में वो सेल्फ अटेस्टेड वो मांग रहे थे, मतलब कि नेम और नेम उसमें सिग्नेचर करना था और उसमें डेट डालना था। इतना चेक करने के बाद जो आप अप्लाई किए थे उसमें का फॉर्मेट उसके पास रहता है, उसी से सारे मिलाएंगे और आपको सही करके वो दे देंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट टेबल पर गया और सारे मिलान हो करके ऑफिसर पास भेजा गया और वहाँ पे वो सारे चेक करके हमको पूछा कि आप क्या करते हैं। हमको वो ऑफिसर पूछा कि आप क्या करते हैं, तो बोले कि सर हम पढ़ाई करते हैं। बोले पप्पा, तो बोले सर वो मजदूर हैं, खेती करते हैं। तो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने बाहर बोल जाने को बोला, बोला ठीक है वहाँ जाइए। तो वहाँ एक फॉर्म लग रहा था, वहाँ 2 फोटो लग रहा था बाहर में, वहाँ चिपकाना था और वो मेडिकल के लिए मतलब कि जो फॉर्म भराए थे उसी में वो अटेस्टेड करके वहाँ पे भेजना था। तो उसमें 2 फोटो लग रहा था, सिग्नेचर वगैरह थंब इम्प्रेशन लेकर के वो फाइनली वहाँ से हम लोग को निकाल दिया गया और वो कागज़ आपका मेडिकल के लिए भेज दिया गया। तो इतना ही सर। और उसके बाद बाहर में फिर जहाँ से चेयर लगा हुआ था वहाँ जाने को बोला, बोला कि एक ही बार में सबको भेजेंगे, एकाएं कि नहीं, मतलब कि आपका हो गया तो पहले नहीं जा सकते, सबको एक ही समय मतलब 75 एक में बुला रहा था, एक बैच में 75 मतलब कि 150, एक दिन में 150 था, 75 75 कर करके 2 बैच था। तो 75 को जब तक 75 पूरा नहीं होगा आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, सारे को हो जाएगा उसके बाद आपको छोड़ देगा वो। तो उसी प्रकार किया, लमसम 10 बजे हेले थे, 2 घंटा में कंप्लीट हो गया। 12 बजे हम लोग को छोड़ दिया था और वहाँ बोल दिया था कि नेक्स्ट डे मतलब 9:30 में आपको हॉस्पिटल अटेंड करना और वहाँ पे आपको मेडिकल होगा। तो प्लीज़ सर, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगा तो इसको एक लाइक करके हमको आप मोटिवेट ज़रूर करेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेरा मेडिकल कैसा रहा, ठीक है। और इसमें री मेडिकल भी दिया था मेरा, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।